फ्रेंड्स, हमारे चैनल ई फूड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन बाहर की वस्तुएं खाना आप अभी भी अवॉइड करिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ उड़द की कचौड़ी, जिसको धोई बोलते हैं गाँव में। तो आप इस उड़द की कचौड़ी को नाश्ते में बनाइए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और फटाफट बन जाती है। तो ये बिल्कुल इसमें भरने की ना ज़रूरत है, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छे से बन जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, और बनाने के लिए हमारा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ 250 ग्राम मैंने उड़द की दाल ली है, जिसको धोई बोलते हैं। इसको ये इस कप से नाप कर, मैंने 250 ग्राम का कप है मेरे पास, मैंने उससे नाप कर दाल ले ली है। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप एक कटोरी या एक कप दाल भी भिगो सकते हैं। तो इसको आपको बनाने के 2 घंटे पहले भिगो कर रख देना है। तो इसे मैंने ग्राइंडर में इस तरीके से आपको पीस लेना है। और अब हम एक भगोना लेंगे जिसमें आटा तैयार करेंगे। तो आटा मैंने इसी 250 ग्राम कप से, जिससे मैंने दाल नापी थी, उसी से मैंने आटा भी 3 कप नाप कर लिया है। तो आप किसी भी कटोरी या कप से आटा नाप सकते हैं। और इसमें आपको 1 चम्मच नमक मिला देना है और 1 चम्मच काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च मिला देनी है, या पाउडर भी आपके पास हो तो आप मिला सकते हैं। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा नमक और काली मिर्च अच्छे से आटे में मिल जाए। और 1 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और अब हम इसमें उड़द की दाल को डाल देंगे। तो ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सुबह सुबह आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। आप टिफ़िन में भी बना सकते हैं बच्चों के, या सुबह के नाश्ते में आप इसको बना सकते हैं। और डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हमें गूंथना है, इकट्ठे पानी नहीं डालना है आपको, आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंथेंगे। हमें सॉफ्ट आटा तैयार करना है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको नीट करते जाएंगे। और लास्ट में हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाकर इसको गूंथेंगे। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए, हमें इसको 15-20 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देना है। और 15-20 मिनट के बाद फिर से इसको हमें थोड़ा सा नीट करना है, हल्का सा गूंथना है। देखिए, अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा आटा लेकर पूरी बनाने के लिए इसको लोई बनाएंगे। अब थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको हमें इस तरीके से फैला लेना है और बराबर भागों में कट कर लेना है। इस तरीके से। और अब हम इसको गोलाकार का बनाकर इसको हल्का सा हाथ से दबाकर चपटा करना है। थोड़ा सूखा आटा लगाकर हम इसको बेलेंगे बेलन से। आपको बहुत पतली पूरियां नहीं बनानी है, हल्का मोटी ही रखनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। यकीन मानिए, ये पूरियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चाहे हरी चटनी के साथ या रायते के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ तेल भी गर्म हो चुका है, तेल एकदम गर्म तेल में आपको इसको तलना है और हल्का रेड करके ही तलना है। और गर्मा गर्म खाइए, यकीन मानिए ये पूरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरियाँ कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है।
तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको रेड कलर की हल्का ब्राउनिश कलर की पूरियाँ निकालनी है, और एकदम खस्ता खस्ता पूरियाँ निकलती है, और इसको गर्मा गर्म खाएंगे तो और ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है ये। तो सुबह के नाश्ते में इसको आप ज़रूर बना सकते हैं। तो चाहे आपके पास दही हो या चटनी हो, आप जिससे हो इसको खा सकते हैं, या चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर बनाइए, और बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ई फूड रेसिपी को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।